नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं चैट जीपीटी के लैंग्वेजेस कैपेबिलिटीज के बारे में। देखिए, चैट जीपीटी एक तरीके का एडवांस बॉट है जो कि एक इंसानों की तरह आपको आंसर्स देता है। तो आप सीखोगे कि इसकी लैंग्वेजेस कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, आगे और क्या क्या बड़ी से बड़ी चीजें कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चैट जीपीटी एक प्री ट्रेंड जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर है, इसीलिए ये लैंग्वेजेस की जो प्रोसेसिंग है एनएलपी के ऊपर बेस्ड है। और एनएलपी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर किसी लैंग्वेज को ट्रेन किया जाता है कि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके और आंसर्स को बिल्कुल नेचुरल वे में दे पाए। इसीलिए जब भी चैट जीपीटी अपने आंसर्स देता है, आपने देखा होगा, ये इंसानों की तरह आंसर देता है। आपको लगता है कि कोई इंसान ने टाइप करके ये सारे आंसर्स दिए हैं, एक ह्यूमन की तरह ये सोचता है। इस तरीके का ये एआई बेस्ड टूल है। ये तो इसकी एक चीज़ के बारे में हमने समझी। देखिए, और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि टेक्स्ट जनरेशन में भी ये हेल्प करता है। अब ये टेक्स्ट जनरेट कैसे करता है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको अगर आप फीड करोगे तो उसके बेसिस पे वो चैटबॉट समझ करके जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे टेक्स्ट को जनरेट करता है। इवन जो पैसेज होते हैं उनको समराइज भी करने का काम करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक पूरी बुक को वो समराइज करके भी आपको दे सकता है। ये क्वालिटीज है चैट जीपीटी की, यानी कि हम इसका अलग अलग चीजों में यूज भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से चाहो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन इसके अंदर खूबी है कि जो भी आंसर्स आपने इसको लिखा है इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो लोकल लैंग्वेजेस में, जो भी ये सपोर्ट करता है उसके अंदर कर सकता है। जो भी आपको कोई भी चीज़ जैसे फाइनेंशियल टर्म्स है वो आपको समझ नहीं आ रहे, उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इवन पूरे के पूरे आंसर्स को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेडिकल में हेल्प ले सकते हैं, गेमिंग में ले सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में ले सकते हैं। जहां भी आपको लग रहा है कि इस टर्म का ट्रांसलेशन करना चाहिए वहां पे वो आपको पर्टिकुलर ट्रांसलेशन कर देगा। पूरे ऐसा नहीं कि पूरे पैराग्राफ का अगर आपको नहीं चाहिए, केवल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का चाहिए ट्रांसलेशन, वो भी वो करके दे देगा। ये कैपेबिलिटीज है चैट जीपीटी की। आगे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर्स आप इससे कर सकते हो, यानी कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं एक इंसान से, वैसे आप चैट जीपीटी से बातें कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि इसको हम जर्मन में क्या कहेंगे, इसको इसमें क्या कहेंगे, इस लैंग्वेजेस में इसका क्या आंसर हो सकता है सटीक, वो सारे आंसर्स आपको देगा। ये कैपेबिलिटीज है। तो जब हम किसी चीज की कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं ना, तो हमें आइडिया लगता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। और फ्यूचर को देख करके प्रेजेंट में आज आपको काम करना होगा, आपको सीखना होगा। वो टूल और वो टेक्नोलॉजी बिना सीखे आप दुनिया की रेस में शामिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको समझ आ गया, स्पीच को सिंथेसिस को कर सकता है ये। यानी कि अगर मैं कोई वॉइस बोल रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस टेक्स्ट की मदद से आप चाहें तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो स्पीच को सिंथेसिस करने का काम भी ये टूल करता है। बोलने पे भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि चैट जीपीटी की तरह है। ये एआई का यही तो एडवांस वर्जन है। और बहुत सारे देशों में चैट जीपीटी को बैन भी कर दिया गया, अलग अलग रीजन्स की वजह से कि ये इंसानों के ऊपर खतरा है, ये कहीं ना कहीं इसको इतना भी ट्रेन ना किया जाए कि इंसानों के ऊपर हावी हो जाए। आपने मूवी देखी होगी रोबोट, उसमें क्या होता है, यही होता है। बोट इतना एडवांस हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग्स आने लगते हैं, इमोशंस आने लगते हैं। जब बोट के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आने लगे तो इंसानों के ऊपर हावी हो सकता है, बायसनेस आ जाती है उसके अंदर। तो स्पीच सिंथेसिस है, ये इसकी कैपेसिटी भी है। इमेज को कैप्शन कर सकता है, यानी कि अगर किसी इमेज में से कोई सा वर्ड लिखा है तो उसको कैप्शन कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज हैं एआई लैंग्वेजेस की। मैं आपको बताऊं एक सबसे अच्छी चीज, आपने देखा होगा गूगल ट्रांसलेट में ही कि जब कोई भी इमेज आपको दिखती है आप केवल उसके सामने ऐसे अपनी वो रखते हैं तो वो ट्रांसलेट कर देता है। कैमरा ऑन करके आप स्कैन करते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके देने लगता है, उसको इमेज कैप्शनिंग बोलते हैं। ये इमेज कैप्शनिंग भी कर सकता है। इमेज के अंदर से कोई वर्ड्स, कोई पिक्चर्स को लेना हो उसको भी कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज हैं इस लैंग्वेजेस मॉडल की। तो ये सबसे अच्छी चीज है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आगे चलते हैं।
अच्छा, इसका यूज हम कहाँ पे, किस लेवल पे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एप है कोई सा भी, जो कि कैप्शन करता है इमेजेस को, आप दूसरे फॉरेन में जा रहे हैं, आपको बोर्ड्स वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, वहाँ की फॉरेन लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, लाइक चाइनीज में लिखे हैं या फ्रेंच में लिखे हैं, तो आप केवल अपना स्कैन करोगे और आप अपने वोकल लैंग्वेजेस में समझ सकते हो, लोकल लैंग्वेजेस में, कि वो क्या लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग क्या है, तो आपको आइडिया लग जाता है, इससे काफ़ी हेल्प होता है। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं ये कन्वर्सेशनल AI, ये इस लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज है। कन्वर्सेशन यानी कि आप इससे वॉइस असिस्टेंट दे सकते हैं, आप इससे चैटबॉट की तरह काम ले सकते हैं, जो भी अप्लाइंसेस हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये क्वालिटीज हैं, वॉइस को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, तो ये कन्वर्सेशन में भी हेल्प करता है आपको अलग अलग तरीके से। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हमें AI के साथ बढ़ना ही होगा। चैटबॉट का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसकी मदद से अलग अलग चैटबॉट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, आप किसी भी चैटबॉट को अगर स्क्रैच से डेवलप करना हो, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि आपको किस टाइप का चैटबॉट आपको चाहिए आपके बिजनेस के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे चैटबॉट ने क्या किया हुआ है, जो कस्टमर सर्विसेज है उनको रिप्लेस कर दिया। आप ATM में देख लो, आप अलग अलग एप्लीकेशन में देख लो, कस्टमर सर्विसेज की जगह पे चैटबॉट उसके आंसर्स देते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि किस तरीके का आपका बिजनेस है, फिर डिकोड करना होगा जो भी उसके कम्युनिकेशंस चैनल्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसको उसके अलावा आपको जो कन्वर्सेशंस हैं उनको डिजाइन करनी होगी। जैसे ही एक बार आपने कन्वर्सेशंस को डिजाइन कर लिया, फिर उस चैटबॉट को ट्रेन करना होगा आपको। जैसे वो चैटबॉट ट्रेन हो जाएगा, फिर आपको टेस्ट करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा कि वो चैटबॉट कैसे काम करना है। जब फाइनल टेस्ट हो जाता है, तो उसको डिप्लॉय कर सकते हो। जब आप ये सारी चीजें करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव होगी। जहां पे भी आपको इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है, आप डिप्लॉय कर सकते हो एक चैटबॉट, और वो आपका सारा काम कर देगा चैटबॉट ही। तो इस तरीके की चीजें हैं, और आई होप कि ये जो लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।